ये कथा बताती है कि यदि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी किसी के अच्छे सुझाव को नहीं मानता है तो उसका पतन हो जाता है। कैसे तीनों लोगों पर राज करने वाले त्रिकमासुर ने जब माता पार्वती की बातों को अनसुना कर दिया तो मारा गया। दुर्गमासुर को समझाने माता कालरात्रि स्वयं उनके दुर्ग गई। देवी कालरात्रि ने बड़ी शांति से दुर्गमासुर को समझाया कि यदि वो तीनों लोकों में अपना हिंसा नहीं रोकेगा, माता पार्वती से विवाह का हट नहीं छोड़ेगा तो उसका विनाश हो जाए। एक बार तो महादेव भी देवी का दूध बन के गए थे, इसलिए देवी को शिव दूती भी कहते हैं। इतनी कथा देवी कालरात्रि। बोलो देवी कालरात्रि की जय। बोलो देवी कालरात्रि की जय। बोलो माता कात्यायनी की जय। आज हम देवी कात्यायनी की जो कथा सुनेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कथा देवी दुर्गा के जन्म की भी है। तब तो और भी आनंद आएगा। वो सब तो ठीक है, किंतु दुर्गमासुर का क्या हुआ? देवी कात्यायनी की कथा उसी विषय में तो है। ने देवी कालरात्रि की बात जब नहीं मानी तो सभी देवी देवता माता पार्वती के पास गए। उन्होंने कहा इसके समाधान के लिए ऋषि कात्यायन से यज्ञ कराना होगा। सभी देवताओं की शक्ति मिलकर एक हुई और ऋषि कात्यायन के यज्ञ की सहायता से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और शंख दिया। सूर्य देव ने धनुष और तीरों से भरा तरकश दिया। इंद्र ने वज्र दिया। ब्रह्मा ने जप माला और जल का कमंडल भेंट किया। महादेव ने अपना त्रिशूल भेंट किया और तब देवी कात्यायनी ने दुर्गमासुर का अंत करके सारे संसार की रक्षा की। बोलो माता कात्यायनी की जय। बोलो माता कात्यायनी की जय। बोलो महागौरी माता की जय। ये देवी के नए रूप की उदय एक नए शुभारंभ की कथा है। जब देवी काली ने अपने भयंकर रूप का त्याग किया और वह पुनः शुद्ध शक्ति रूपा बने। देवी काल रात्रि यदि काल की रात्रि है तो महागौरी प्रातः काल की ओर, यदि काली रौद्र रूप वाली थी तो महागौरी शीतल, काली अंत थी तो महागौरी एक नए काल का आरंभ। तब से उनका नाम महागौरी पड़ा, तो इसलिए आज क्रोध त्यागने की रात है। समस्त लोभ मोह लगाओ त्याग कर मुक्त हो जाने की रात है। यही संदेश है देवी महागौरी का। बोलो माता महागौरी की जय। आज की कथा बड़ी ही रोमांचक है, महादेव के खटी भक्त की है। भक्त इतना हठी था कि उसके कारण ही सारे जगत को माँ सिद्धिदात्री के दर्शन हुए। देवी उन्हें समझाती है कि त्रुटि कहाँ है और उसका मार्ग दिखाती है। महादेव के एक ऐसे ही भक्त थे भृंगी ऋषि। एक बार भृंगी ऋषि महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़े। उन्होंने प्रण लिया था वे केवल भगवान शिव की पूजा करेंगे और किसी की नहीं। महादेव की आराधना करते समय उन्होंने माता पार्वती पर ध्यान ही नहीं दिया।
फिर क्या हुआ? भृंगी ऋषि ने परिक्रमा आरंभ की। उन्होंने ठान लिया था वो केवल महादेव की परिक्रमा करके लौटेंगे, किंतु भृंगी ऋषि भी बड़े हठी थे। वे भला काम मानने वाले थे। पार्वती रुष्ट थी, किंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। फिर क्या हुआ? क्या उनकी मृत्यु हो गई? नहीं, माता पार्वती दया और ममता का सागर है। वो दंड देते हैं, किंतु माँ की तरह, कोई नई सीख देने के लिए। भृंगी ऋषि को अपने भूल का बोध हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। इसी कथा माता सिद्धिदात्री की। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय।